नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में मणिपुर हिंसा को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएम हेमंत सोरेन ने मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा, पहले अपने राज्य की समस्याओं को खत्म किया जाए, जो जनता परेशान है। बंगाल में हो रही हिंसा पर ध्यान दिया जाए। इस पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर शब्दों के तीर छोड़ रही हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। झारखंड में मणिपुर की हिंसा पर मनोवैज्ञानिक क्रूरता का सामना करना पड़े, जैसे हमने मणिपुर में देखा। वही हेमंत के लिखे चिट्ठी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा है कि बहुत सुंदर मुख्यमंत्री जी, थोड़ा और साहस दिखाइए। अब आपने पापों की पोटली भी खोलिए। आपकी निगरानी में झारखंड में जो महालूट हुई, उसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। संथाल परगना में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया, इस संबंध में जांच हेतु केंद्र सरकार को कहेंगे। झारखंड कट्टरपंथी तत्वों का सबसे सुरक्षित जगह बन गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर पड़ताल करने को कहेंगे। आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए एनआरसी का समर्थन करेंगे। बंगाल में भी एक महिला के साथ दरिंदगी हुई है, उस पर कंठ खोलेंगे। आज ही आपकी पार्टी की महिला ने आपके दल के लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति वाला कहा, शायद ये शाश्वत सत्य भी है। अब आपका नाटक झारखंड में नहीं चलेगा। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूथू नहीं चलेगा। मणिपुर को लेकर सियासत जोरों पर है, लेकिन बीजेपी हेमंत राज्य में हो रहे प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को घेर रही है। पर क्या इससे जनता को कोई सहूलियत मिलेगी या फिर राजनीतिक रोटियां, इस पर नेता सेकते रहेंगे, ये बड़ा सवाल हम सब लोगों के बीच में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि इस पर सियासत जोरों पर हो रही है। बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी पर अभी देखना होगा कि जिस प्रकार से सियासत हो रही, उससे क्या कोई फायदा हो पाएगा। अगर देखा जाए झारखंड में भी जनता परेशान है, उनकी तमाम बातें पूरी नहीं हो पाई हैं। जनता के मन में नाराजगी देखी जाती है। कई बार तो ये देखा गया कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने नहीं सुना। और अगर बात की जाए बाबूलाल मरांडी की, तो बार बार हेमंत सोरेन को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरे देश में उसको लेकर पीड़ा है। तो क्या ये माना जाए कि हेमंत सोरेन पहले अपने राज्य पर ध्यान दें या मणिपुर में जो हो रहा है उस पर ध्यान दें? तो लगातार इस पर सियासत जोरों पर हो रही है, जिसको लेकर हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने अपनी बातों को रखा,
जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से तमाम सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में, राज्य में, छत्तीसगढ़ में जो परेशानियां हैं उन पर कौन ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि संधाला परगना में घुसपैठियों का कब्जा कर लिया, उस पर कौन ध्यान देगा। छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिए, झारखंड में जिस प्रकार से देखा जाए कि तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही थी, बंगाल में एक महिला के साथ दरिंदगी हुई, उस पर कब कंठ खोलेंगे, ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन सवाल इस बात का निकल कर आता है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए इस पर सियासत जोरों पर हो रही है, बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी पर तमाम सवाल कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ फिरोज खान, कांग्रेस नेता, हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आपका स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले फिरोज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सर, मानते हैं कि हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर द्रौपदी मुर्मू को ठीक किया, एक नागरिक होने के नाते उनका ये कर्तव्य था, एक सीएम होने के नाते चिंता करना मानते हैं ठीक है। लेकिन सर, सवाल इस बात का निकल कर आता कि जिस राज्य की सत्ता उनके हाथ में है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अगर वहां भी समस्याएं हैं तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर, आपसे पूछना चाहता हूँ कि रमन सोरेन जी ने जो कहा है तो वो झारखंड के मंत्री है, भारत मंत्री है, उन्होंने कहा है राष्ट्रपति राष्ट्रपति महिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और हमारे झारखंड के बगल बहुत वाली है, और हमारे घर जमशेदपुर से मात्र 200 किलोमीटर है। हम तो राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगे, प्रधानमंत्री तो बीजेपी है, उनके पास गुहार लगाने का फायदा फायदा है। अगर प्रधानमंत्री को इतना ज्यादा मोहब्बत होता वो 70 से 80 के बच्चों में पूरा अराजकता पैदा हुआ है, डेली हत्याएं हो रही है, घर को चलाया जा रहा है, रोका जा रहा है। ठीक है फिरोज जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम ठीक करवा रहे हैं, हम आपके पास आएंगे। प्रदीप जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? प्रदीप जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? शरण जी, सर मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? आवाज लगता नहीं हो पा रही, हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। फिरोज जी, आवाज मेरी मिल रही है सर आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। फिरोज जी, आवाज मिल रही है ना? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है किस? फिरोज जी, आपसे, आपको बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? शरण जी, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, मैं फिरोज जी और प्रदीप जी आपके पास बाद में आऊंगा। शैलेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे ये है, ठीक है एक मुख्यमंत्री होने के नाते द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा गया, बहुत ही ठीक था, लेकिन हिंसा सिर्फ मणिपुर में नहीं हुई, हिंसा बंगाल में भी हुई। अगर पत्र लिखा जाता तो उसमें बंगाल की हिंसा का भी जिक्र किया जाता तो माना जाता शुभ चिंतक है, उस पर राजनीति नहीं हो रही है, और पत्र लिखा जाता तो उस पत्र में राज्य की समस्याओं का भी जिक्र किया जाता। जिस प्रकार से देखा जाए झारखंड में तमाम परेशानियां देखी जाती हैं, क्या ये माना जाए जो पत्र राष्ट्रपति को लिखा गया उसके क्या मायने लगाए जाएं? देखिए, जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हर कोई अपनी कमियां छोड़ करके दूसरों की कमियों को इंगित करता है, एक बात। दूसरी चीज, जब कहीं कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो उसमें हर कोई बोलता है, और विशेष करके वो बोलते हैं जो निश्चित रूप से विरोध पक्ष के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक मौका होता है यह इंगित करने का कि देखिए ये अयोग्य हैं और इनको ये चीज करने की क्षमता नहीं है, आप कृपया इस बारे में विचार करें। तो जितना ज्यादा होता उन कमियों को वो उजागर करना, उसको सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि जो मणिपुर की घटना है वो इतनी भयावह घटना है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ यदि होती है तो वो आदमी
फिर या तो आतंकवादी बनेगा या तो शहीद हो जाएगा। और यही चीज तो है जो घटना मणिपुर में हुई है, यही इसी तरीके की घटना तो अफगानिस्तान में होती है, इस वजह से तालिबान बदनाम है, जिसकी वजह से सीरिया को हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है इसलिए तो मतलब अच्छे नहीं माने जाते हैं, अराजकता फैली रहती है। वही किया जाए आज हमारे भारत में हो रहा है, भारत के एक हिस्से में हो रहा है, तो हमको इसको बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। हमको सिर्फ इसको इस रूप में नहीं कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है और तुम उसकी बात नहीं कर रहे हो, हमारे बारे में बात करो, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ये है कि कितनी बुरी स्थिति है, देखिए आज तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट पे, और हम लोगों के आपके चैनल हर जगह देखा जाता है, तो जो आदमी बाहर में भी है वो अगर देखेगा तो उसकी हिम्मत होगी भारत में आने की, और आएगा तो क्या अपने बीवी बच्चों को लड़कियों को लेकर आ पाएगा? जी नहीं आ पाएगा। और ये वो चीज होती है जब एक बार किसी के दिमाग में ये बैठ जाती है कि हाँ वहाँ पर इसी तरह की कहानी हो सकती है, तो आदमी कभी भी उस तरह का रुख ही नहीं करता। और इसीलिए अभी भी आप देखें विदेशों में, एक जमाना कभी रहा होगा भारत में नाग के सांप के खेल हुआ करते थे, सपेरे लोग बहुत ज्यादा घूमते थे, अब तो क्यों नाग पंचमी दिन कमाने के लिए आते हैं, फिर भी विदेशों में बहुत बड़ा तबका के दिमाग में पोजिशनिंग है कि भारत सपेरों का देश है। अब आप उस पोजीशनिंग को कैसे बदलेंगे? मुझे याद है सर, मुझे याद है देश की एक बहुत ही चर्चित अभिनेत्री थी, वो रियलिटी शो में गई थी, तो उनको यही कहकर चढ़ाया जाता था कि भारत सपेरों का देश है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए बचाना होगा। मणिपुर की जो घटना हुई वो इतनी गंभीर है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही कि उनके घर में बीवी बच्चे हैं। अगर कोई इस तरह से लेकर करेगा, और यह व्यवस्था को हमको हमारी सोचना होगा कि क्या तो हम, या तो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम फेलियर है, या जो हमारा लैंड ऑर्डर है वो फेलियर है, या वो शामिल है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मतलब जो घटना हुई वो देश को ही नहीं, ये अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में भारत की छवि को शर्मसार करती है, और इसकी जितनी भसना की जाए इस घटना की जो मणिपुर में हुई उतना ही कम है। लेकिन सवाल शैलन जी मेरा ये था कि चलो ये मानते हैं घटना ऐसी हुई, लेकिन ऐसे बहुत से काम हमारे देश के होते हैं, तब भी विपक्ष की पार्टियों को जब भारत नए कीर्तिमान को स्थापित करता है तभी भी ट्वीट करना चाहिए, उसकी बधाई देनी चाहिए, तब आदमी नहीं करता, तब इस पर सियासत नहीं होती। मेरा मानना आप, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर किसी राज्य के सीएम, चाहे वह बीजेपी की सरकार हो चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, उस राज्य में भी खामियां हैं, बंगाल में भी जिस प्रकार से घटना हुई अभी देखने को मिला, उसका भी जिक्र होना चाहिए था उस पत्र में। सही बात है, ये बैलेंस वे में, अगर बैलेंस करके अगर राजनीति ना उस पर की जाए, अगर आपका मन बिल्कुल ठीक है तो उस पत्र में एक बैलेंस पत्र लिखना चाहिए और जिक्र हर घटना का होना चाहिए, उस पर राजनीति भरे। ये तो आप सही कह रहे हैं, ये होना चाहिए, लेकिन जैसे अब मणिपुर की घटना के लिए तो ये हम नहीं कह सकते कि आप मणिपुर की घटना की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ की कर रहे हैं, वो तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से तो विपक्ष को इस तरह का मौका मिला है जहाँ पर वो सिस्टम के फेल्योर को दिखा सकता है। तो लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि हम भारत को, देश को एक अपना घर समझते हैं और घर में किसी की भी गलती से कोई गलती हो गई तो उसको बहुत ज्यादा अगर हम उजागर करेंगे, हाय अल्लाह करेंगे, तो मतलब बड़े स्तर पर सिवाय अपने देश के नुकसान के और कुछ नहीं होना है। ठीक है सर, वो हमारी तुलना अफगानिस्तान से सीरिया से कर देंगे। ठीक है सर, फिरोजी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? यार यार आपकी सुन रही है। ठीक है सर, सवाल मेरा आपसे है कि मानता हूं कि हेमंत सोरेन ने ठीक किया कि राष्ट्रपति को पत्र लिखा और ये बताया किस प्रकार की समस्या है, हम सब लोग मिलकर मणिपुर की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है, लेकिन सर उस पत्र में जिक्र बंगाल का भी होना चाहिए था, क्योंकि बंगाल में भसना जो हुई घटना वो आपको पता होगी, उस पत्र में जिक्र होना चाहिए था राज्य की समस्याओं का भी, लेकिन सर उसमें सिर्फ उसी राज्य का जिक्र हुआ जिस पर सियासत हो रही है, ये कहां तक ठीक सर? देखिए ये सियासत, सुनील जी, ये सियासत नहीं है, आज 70 दिन से ज्यादा हो गया मणिपुर में आगजनी, हजार हजार आदमी घर में घुस जा रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं, 70 दिन बीतने के बाद
हमारे दो दो बहनों को नगर स्थिति में घुमाया जाता है, आदिवासी बहनों को, आदिवासी बहनों को घुमाया जाता है। आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के, आदिवासी राष्ट्रपति है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, कम से कम आदिवासी के साथ बीजेपी शासित राज्य क्यों होता है? कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में हमारे दलित भाई के ऊपर बीजेपी का खड़ा का प्रसाद कर रहा है, ये क्या है? बीजेपी प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा देखिए, इनके लोग बलात्कार के सब पकड़ाते हैं, इन्हीं के ऊपर यौन शोषण का उत्पीड़न का मामला आता है और कुछ कार्रवाई कुछ नहीं होता है। इसलिए कि जहाज प्रदेश में है और मतलब मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, आज इसको पहलवान को क्या, पहलवान और पहले जो हमारी बैठी थी तीन महीना से उनके साथ क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है सर, भूपेश बघेल की। हाँ तो वहाँ भी नंग प्रदेश, वहाँ भी प्रोटेस्ट किया, वो भी बिल्कुल दहलीज के बाहर किया विधानसभा की, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? उसका आपको याद जिक्र नहीं हो करेंगे सर ना? एकदम कर आपने तो किया नहीं। जब मैंने जिक्र किया तो आपने बोला वहाँ भी नग्न प्रदर्शन किया गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी? उसका लेटर में आपने क्यों? राज्य सरकार की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, तो हेमंत जी को उस लेटर में ना, राष्ट्रपति वाले लेटर में छत्तीसगढ़ में आदिवासी समस्या वो भी लिखनी चाहिए थी, वो नहीं लिखी सर। नहीं, 70 दिन से ज्यादा हो गया मणिपुर में। सर ठीक है, मानते हैं मणिपुर की बिल्कुल ठीक लिखी, बिल्कुल ठीक लिखी सर, बिल्कुल ठीक लिखी मणिपुर की, मैं कह रहा हूं फिरोज जी बिल्कुल ठीक लिखी, लेकिन समस्या छत्तीसगढ़ की भी लिखनी चाहिए थी, समस्या बंगाल की भी लिखनी चाहिए थी, अगर बैलेंस लेटर था तो। नहीं, छत्तीसगढ़ में जो मामला है 70 दिन से वहाँ पर लोग दिल्ली नहीं मर रहे हैं, दिल्ली नहीं मारा गया, जिंदा नहीं दिलाया गया। अरे भाई वहाँ नंग प्रदर्शन किया विधानसभा की दहलीज के बाहर, आपको पता ही नहीं सर? मालूम मुझे पता है। तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर की हिंसा को लेकर पत्र लिखा आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें जिक्र उसका भी होना चाहिए था कि कांग्रेस के राज छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने नग्न प्रदर्शन विधानसभा के बाहर किया, वो आपने उसमें नहीं था, उसमें जिक्र होना चाहिए बंगाल की भी हिंसा का, वो उसमें जिक्र नहीं था। नहीं, देखिए जहाँ आप देखे होंगे, जब यूपीए की सरकार थी किसी के ऊपर भी आरोप कर सकता, यूपीए के केंद्र मंत्री इस्तीफा देते थे, सोनिया गांधी इस्तीफा दिलवा देती थी, राहुल गांधी इस्तीफा दिलवा देते, लेकिन भाजपा ने कहा इस्तीफा देता है, किसान के ऊपर जीत चला देता है, मंत्री का बेटा प्रदीप जी का नाम आता उसको नहीं निकाला जाता है। ठीक है सर, मैं ओपनिंग रिमार्क्स लेता हूँ प्रदीप जी से, फिर आपके पास आऊंगा। ठीक है, बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए बीजेपी के लोगों का मन बड़ा हुआ, मनोबल बड़ा हुआ। प्रदीप जी आवाज मिल रही है सर मेरी? आसाम में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सॉरी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। और आसाम से मुख्यमंत्री जो है अनाप से हम बयान देते हैं, सुबह आके बोल रहे हैं कि बंगाल में भी ये हो रहा, बिहार में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। भैया मणिपुर बगल में है, पहले उसको संभालो। वो जो विश्वास जी है उनका मानसिक संतुलन खो बैठा है, वो पहले कांग्रेस का आदमी थे, पता है कि नहीं आपको? लेकिन सर मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति को पत्र लिखा बिल्कुल ठीक है, इस घटना से पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए और भविष्य में हम चाहते हैं कभी ऐसा हो भी ना। लेकिन सवाल सर मेरा इस बात को लेकर नहीं है, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो पत्र लिखा गया उसमें और बातों का भी जिक्र होना चाहिए था, उसमें जिक्र छत्तीसगढ़ की भी घटना का होना चाहिए था, उसमें जिक्र बंगाल की भी घटना का होना चाहिए था। आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, इंडिया वॉइस का सम्मानित ये है, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ 70 दिन से ज्यादा हो गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। प्रदीप जी आवाज मिल रही है सर मेरी? आवाज मिल रही है। ठीक है सर, मैं फिरोजी आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी सवाल मेरा आपसे, आपने शायद फिरोजी को सुना हो, अगर ना सुना हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 70 दिन से मणिपुर खोल रहा था, कोई प्रधानमंत्री जी ने एक्शन नहीं लिया, और जिस प्रकार से देखा जाए घटना हुई वो तो आपको पता होगी, हम सब लोग उसको लेकर शर्मिंदा हैं। कितनी जिम्मेदारी आपकी थी, अगर बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा इस पर तो कहीं ना कहीं जिक्र उन समस्याओं का भी होना चाहिए था कि उस समस्याओं को लेकर आप कहीं ना कहीं। प्रदीप जी आवाज मिल रही है सर? जी मिल रही है सर। जी सर बोलिए। सर देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है और विपक्ष इस पे अभी भी राजनीति किए जा रहा है। मैं आपका ध्यान, चूंकि ये झारखंड का कार्यक्रम है और बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये बात कहने का आज यहाँ पे अवसर मिल रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन जी केवल ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं,
आप अगर ट्वीट से देखें तो आदरणीय अध्यक्ष झारखंड भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया हुआ है, जहां से साहिबगंज से, जहां से कि हेमंत सोरेन जी जिनकी जो विधानसभा है, और एक पिता का अपनी पुत्री को बचाने के लिए थाना प्रभारी बहरेड से ये पत्र लिखा गया है ना। इनका राष्ट्रपति जी को पत्र लिखना छात्राओं को कोई यौन शोषण करने का बार बार प्रयास करते हैं, और जब बेटी अपने घर वालों को बताती है तो सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, और जब ये घटना प्रकाश में आई तो अन्य लड़कियां आ गई कि इस प्रकार की घटना हो रही है। ये हेमंत सोरेन जी की ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो चुन के आते हैं साहिबगंज और बरहेट थाना की ये घटना है, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमको जो है मजबूरन जो है इसको प्रकाश में लाना पड़ रहा है। उसमें देखिए मूल प्रश्न ये है कि हेमंत सोरेन जी जो है अपने कार्यों को ठीक से साबित नहीं कर पा रहे, और उसके लिए आपने केवल ध्यान भटकाने का प्रयास किया ताकि जनता उधर पे भी देखे और उसके बाद लगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये अच्छा काम एकदम नहीं है। राजस्थान में देखा जाए आपकी कांग्रेस के समर्थन से गवर्नमेंट है, और बगल में बंगाल में क्या हुआ, तो आप केवल देखिए प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर है, जो तो है कितनी गंभीरता से काम चल रहा है, तब तक किसी को काम होगा, आप प्रतीक्षा करिए जितने भी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है सर, प्रदीप जी आपका, फिरोज जी आपका और शलन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का निकलकर सामने आता है कि इस आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं, जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए और उस समाधान पर हमारे जो नेता है उनको ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।